नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभी मैं पहुंचा हूँ इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में, जहाँ पर कुछ आदिवासी छात्र और जयस संगठन के कार्यकर्ता और कुछ आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। किस मुद्दे के लिए पहुंचे मैं यहाँ पर बात करने जाऊंगा। जैसे मैं स्लोगन में देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार, हौस में आओ, इस तरह के नारे और जंगल उजाड़ना बंद करो और हंसते जंगल बचाने की यहाँ पर शायद उसी मुद्दे पर यहाँ पर आए होंगे। तो हमारे साथ इंदौर जिले के जयस जिला अध्यक्ष पवन भाई, क्या बोलता था कर रहे हैं। बाकी जैसे आदिवासी मुख्यमंत्री आने के बाद भी, हमारा व्यक्ति होने के बाद भी आदिवासी जंगल नहीं बचा पा रहे हैं, ये क्या मतलब हम आदिवासियों ने ठेका ले रखा है या कि मतलब जो भी है हमारे पूर्वों ने जो भी हमारे जंगल बचाया अभी तक ऑक्सीजन मतलब उन्होंने ही बचाया, ना कि आगे किसी सरकार ने बचाया। तो क्या हम राष्ट्रपति मोदी से यही चाहते हैं कि यहाँ की जो हस्तियों की जो जंगलों की कटाई हो रही है उसे रोका जाए और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। हो सका तो आप देख सकते हैं कि इसके पहले वाले जनरेशन में जो अपने डायनासोर पाए जाते थे आज उसका भी तहस नहस हो गया, मतलब आज उसका नामो निशान नहीं है। इसी प्रकार अगर जंगल खत्म हो गया तो यहाँ पर जैसे पशु पक्षी जानवर बस जा ही रहे हैं, मर रहे हैं और अब आने वाले समय में इंसान व्यक्ति का भी नामो निशान मिटने वाला है। जी आपने ये हस्तियों बचाओ जंगल बचाओ क्यों, विकास के नाम पर थोड़ा बहुत जंगल कट जाए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि पेड़ हमको ऑक्सीजन देंगे, जंगल ऑक्सीजन देगा, ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें और कोयला खदान, हीरा खदान। यदि आपका जंगल अपने यहाँ पर ज्ञापन दिए, यदि जंगल नहीं बचता तो आप क्या अगला कदम क्या रहे? और बड़ा आंदोलन करेंगे, कोशिश रहेगी तो हसदेव भी जाएंगे, हसदेव कुछ करोगे। जैसे वहाँ पर मुख्यमंत्री आदिवासी है, आदिवासी मुख्यमंत्री साहब क्या उम्मीद लगाते हैं, क्या वो जंगल बचाने में कामयाब नहीं है या जंगल बचाना नहीं चाहते? बिल्कुल कामयाब नहीं है लगता है, वो तो अभी कुछ कर ही नहीं रहे। कारण क्या है? कारण यही है शायद, वो मतलब सपोर्ट चल रहे हैं, घमंड में आ जाता है, चाहे वो जंगलों से निकला हो वो भूल जाता है कि हम यहीं का भी पंत है। जैसे कि भाई ने बताया कि सत्ता पाने के बाद जो सत्ता में बैठे हैं बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, इसी मुद्दे को लेकर और भी हमारे साथ ही है। आप कुछ बोलोगे क्या हस्ते जंगल बचाने से क्या मिलेगा? जंगल बचाने से ये रहेगा कि ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है, आप लोगों ने अभी देखा है कोविड आया था उसमें लोगों की सांसें ढल गई थी, ऑक्सीजन के लिए तरस गए थे, लेकिन आज वही छत्तीसगढ़ सरकार उस जंगल को उजाड़ने भी तुली और ये बहुत ही गलत किया है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा छत्तीसगढ़ सरकार होश में आए और जो हसदेव जंगल है उसकी कटाई पे तुरंत रोक लगाए। जंगल में लगभग कितने पेड़ काटे जाएंगे इसका कुछ अनुमान है? अभी तो कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे पेड़ हजारों की क्वांटिटी में काट चुके हैं और हजारों लोगों को घरों से बे निकल कर दिया गया है, लेकिन अभी काम नहीं रुका है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो जल्दी रोक लगा दी जाए, नहीं तो हमें और आगे मजबूर हो जाएगी और हो सकता है कि हमें हस्तियों भी जहाँ पे जाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उस जंगल में लगभग हजारों करोड़ों प्रजाति के पशु पक्षी, जंगल जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि हस्तियों जंगल बचना चाहिए और यहाँ मुहिम पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में फैल रही हो। विदेशों जाति की यही मुहिम है कि हस्तियों जंगल या कोई और जंगल हो वो बचना चाहिए। अगर आज हस्तियों जंगल के समर्थन में मानव जाति खड़ी नहीं हुई तो आने वाले समय में दूसरे जंगलों में भी यही कारण होगा और फिर उस समय ये आंदोलन इतना कम नहीं रहेगा, ये आंदोलन बढ़ जाएगा क्योंकि ये मानव जाति की समस्या है। हमने पहले देखा था जो जंगल बोलते हैं कि बहुत हमारे लिए मतलब जीने के लिए अच्छा साधन माना जाता है, परंतु ऐसा क्या है कि सारे मानव और सारे जीव जंतु के लिए हस्तियों जंगल मतलब कोई भी जंगल हो वह सेफ रहता है, परंतु क्या कारण है कि आदिवासी सबसे पहले आगे आता है, बाकी लोगों को क्या इससे कोई मतलब नहीं है? हम यहाँ पे आदिवासी वर्ग को नहीं आना चाहिए, आना चाहिए पूरे इंसान को। जो इंसान नहीं आ रहा है वो शमशान में पड़े सौ के समान है, वो शमशान में पड़े सौ के समान है। बहुत सही, बहुत सही। जल तो रहा है लेकिन आवाज
नहीं उठा रहा, जो आवाज उठा रहा है वो यहाँ पे खड़ा इंसान है, ना कि वो आदिवासी है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ठाकुर है, ना ब्राह्मण है, वो यहाँ पे खड़ा इंसान है, वही आवाज उठा रहा है। देखिए बड़ी बात बोली है कि इन्होंने कि हंसदेव जंगल बचाना सभी का कर्तव्य है, परंतु सभी लोग बचा नहीं पाते और सभी लोग इसके लिए आगे नहीं आते। क्या हमने देखा था अभी विदेश में जो अमेजन का जंगल, उसमें आग लगी थी, पूरे वर्ल्ड में आवाज फैली थी और पूरा वर्ल्ड उसको बचाने की प्रयास कर रहा था। हंसदेव जंगल को अपने भारत में अधिकतर अभी यहीं पर देखा जाए तो इंदौर में ही लोगों को पता नहीं है हंसदेव जंगल क्या है। अरे जिनको नहीं पता है उसकी वजह से तो हम लोग जिंदा है, उन जंगलों की वजह से ही हम जिंदा है। अगर आज हम उनके लिए नहीं खड़े हुए, क्योंकि जंगलों से हम हैं, इसलिए हम जंगलों का आनंद सहन नहीं करते, इसलिए ऐसा विरोध प्रदर्शन हमेशा होता रहेगा। अगर जंगलों के ऊपर ऐसे जंगलों को काटा जाएगा तो यहाँ पर प्रदर्शन होता है। पर इस बात है हवा एक ही व्यक्ति को नहीं चाहिए, हवा सब चाहिए, ऑक्सीजन तो सभी को चाहिए ना। आने वाले पिछले समय में आपने कोविड को देख लिया था, कहाँ भाग रहे थे इंसान का भाग जंगलों में भाग रहा था, गांव की तरफ भाग रहे थे, शहरों में भाग रहे थे। जो कोरोना काल में कोविड हुआ था, कितने आदिवासियों को कोविड हुआ था किसी को, क्योंकि जंगल में सेफ रहे थे, उन्हें ऑक्सीजन मिल रही थी। और जंगल और आदिवासियों की शान है, क्योंकि जंगल में शुरू से आदिवासी रहता है और उनको मालूम है कौन सा पेड़, एक एक पेड़ का नाम जानता है, एक एक पशु पक्षियों का नाम जानता है। वो जंगल में आदिवासी स्थापित सर्व समाज सर्व संगठन स्थापित होती है, क्योंकि उद्योगपति कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ पैसे वाला होता है, उनको सिर्फ प्रॉफिट का मतलब, कोई जाति धर्म से मतलब नहीं होता है। पर सरकार तो कहती है जो जंगल को बचाने की बात करते हैं और वो ये नक्सलवादी संगठन से तत्पर रहते हैं। देखिए नक्सलवादी संगठन को अगर छत्तीसगढ़ में देखे जाए, मध्य प्रदेश झारखंड में देखे जाए, सरकारें बनी हुए हैं, नक्सलवाद कहाँ से फैल रहा है? कांग्रेस की सरकार में भी नक्सलवाद होता है, बीजेपी की सरकार में भी नक्सलवाद, इनको बढ़ावा कौन देता है? सरकार ही देती है इनको बढ़ावा, कहाँ से आते हैं नक्सलवाद के लिए ही वो आगे बढ़ती है और वो नक्सलाइट देती है, आतंकवादी देती है, चोर करते हैं। जैसे अभी हंसदेव जंगल से 10,000 घर उजड़ के जाएंगे तो ये क्या सोचेंगे, चाहे शराबी बनेंगे या तो चोरी करेंगे या तो डकैती करेंगे या तो कुछ भी करेंगे, ये गलत धंधा इन्हीं से करेंगे ना। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो ये काम तुरंत करेंगे। और जैसे जो भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ही यहाँ जो जीव जंतु इस पृथ्वी पर धरती पर जो ऑक्सीजन से ही जिंदा है, ना कोई भगवान से ना जिंदा किसी से जिंदा है। यहाँ पर भगवान ने देख लिया होगा, भगवान ने कोरोना के समय भगवान में कोई काम ही आया ना, ये जो भी आया है ऑक्सीजन ही। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कौन करता है? पेड़ पौधे। और वही जो दवाई जो बीमारी होती है, तो बीमारी होती है तो ये भी जो जड़ी बूटी होती है जो गोलियां बनती है वो सब की सब वहां से मिलता है हमें जंगलों से, और जो जंगल से जो औषधियां मिलती है उसी से दवाई बनाई जाती है। और ये लोग ये समझ नहीं रहे। और जो आपने एक सवाल कहा ना कि नक्सलाइट कहा है, नक्सलाइट खुद ही वही है, जो उद्योग जो कंपनी वाले हैं ना वही नक्सली है और वही है। क्यों? क्योंकि वो पैसे के खातिर वो सबको नष्ट करने के लिए तुला हुआ है। सरकार ने विशेष प्रावधान दिया है, पैसा एक्ट दिया है, तो पैसा एक्ट से तो आपकी ग्राम पंचायत के बिना अनुमति में तो प्रदान नहीं है। ये नाम है, सिर्फ दिखावा है, लोगों को उलझा देते हैं कि ये आपके लिए कानून है। आपने यहाँ पर देखा होगा वन संरक्षण अधिनियम से करीबन 8 से 9 संशोधन किए गए हैं, उसमें सब की सब झूठे हैं। मतलब वहाँ पर बोलते रहे हैं कि संरक्षण किया जाएगा जब वनों को, लेकिन संरक्षण का कोई नहीं हो रहा है। और ये औद्योगिक बोल रहे हैं ना, उद्योग से कितना होता है, भूमि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, और जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन होता है, ये सब इन्हीं की वजह से होता है। जब तक ये जंगल नहीं बचाएंगे तब तक ये होना नहीं है। और ये जो फैक्ट्रियां हैं, चाहे देश के विकास के नाम पे जो भी फैक्ट्रियां लगाई जा रही है उससे कहीं गुना नुकसान होता है। चाहे आप कुछ भी देख लो, केमिकल्स के माध्यम से जल में जली जीव भी खत्म होते हैं, और जो भूमि के जो जीव है, भूमि के अंदर जो जमीन के अंदर जीव पाए जाते हैं वो भी खत्म होते हैं, और जो बाहर है वो भी खत्म होते हैं। ये इन्हीं की वजह से होता है, ये जो उद्योगपति के वजह से। और ये औद्योगिक लाना चाहते हैं तो कुछ और स्वस्थ भी ला सकते हैं, लेकिन इनका तरीका ये है कि किसी को मारना और तोड़ना है, यही करना है। या तो उनको चोर बनाना, डकैत बनाना और आतंकवादी बनाना है, कुछ भी अगर आवाज उठाते हैं उनको यही किया जाता है। यहाँ पर अगर आप बोलते हैं कि आतंकवादी क्यों बन रहा है, उसकी कभी गहरी रिसर्च की गई
नहीं की गई, क्यों? उसकी जो उसका जो रोजगार छीना गया है, कुछ न कुछ परेशान की होगी तो जाके तो वहाँ कुछ गलत काम करते हैं। चाहे हम अपने माँ बाप अगर काम करते हैं और कुछ उसी को दोहराए करते हैं तो वो उसका माइंड अलग चलता है। आप जानते हो एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार पाया जाता है कि एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, उसमें से 3,000 विचार जो सही काम करने के लिए बोलते हैं और 57,000 विचार वो गलत काम करने के लिए होते हैं। तो ये लोग हैं जो अच्छे काम करने वाले को यही आवाज उठाते हैं ना, उनको ये दूषित करके मतलब परेशान प्रताड़ित करके वो गलत काम करवाते हैं और यही उद्योगपति है और ये सरकारी इनमें हस्तक्षेप करती है, यही हमारा कहना है। बहुत बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमारे जो आदिवासी भाई लोगों ने यहाँ पर इंदौर कलेक्ट्रेट में अपना ज्ञापन दिया और हसदेव बचाने के लिए एक मुहिम चलाई और इसी तरह सोशल मीडिया में भी एक मुहिम चल रही है, हसदेव बचाओ सेव हसदेव का हैशटैग सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि हसदेव बचाने के लिए एक नई पहल की जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवाहर, नमस्कार।